हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नॉर्मली आपको पता है कि मैं गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर के बारे में बताती हूँ, लेकिन आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। वो है पलायन का टॉपिक, जिससे पूरा उत्तराखंड जूझ रहा है और मेरा गांव भी उत्तराखंड में है। मेरे गाँव का नाम है भेटा, ये कौसानी के बिल्कुल पास में है और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसे तो गाँव में बहुत सारे घर खाली हैं, लेकिन आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये एक टाइम पे हमारे गाँव का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। ये है हमारे गाँव का बंगला। तो ये बंगला जो है हमारे दादाजी श्री मुरलीधर लोहमी जी ने 1947 में बनाया था। वो अंग्रेजों के टाइम पे कैप्टन थे और इस बंगले को सब लोग कैप्टन जी के बंगले के नाम से जानते थे। और पूरे इलाके में, पूरे इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही वो कैप्टन थे। तो ये बंगला उन्होंने इतना शानदार बनाया, इसमें कम से कम उन्होंने 20 कमरे बनाए, सारी सुविधाओं से युक्त ये बंगला। लोग इसको देखने के लिए तरसते थे, लेकिन आज पलायन की मार झेल रहा है ये बंगला। यहाँ इतनी झाड़ियाँ उग गई हैं, ये बंगला आधे से ज़्यादा टूट चुका है। सारा वुडवर्क उन्होंने इसमें करवाया था वो सारा टूट चुका है। यहाँ सिर्फ जंगली जानवर अब रहते हैं, लोग यहाँ पर आने के लिए भी अकेले आने के लिए भी डरते हैं। तो दोस्तों, अंदर से बंगला दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बाहर से मैं आपको पूरा बंगला दिखाती हूँ। और बंगला देखते देखते हम लोग बात भी करते हैं। आइए पहले बंगला देख लें। हिला दे दोस्तों, देखिए यहाँ पे सारी झाड़ियाँ उग गई हैं। जहाँ पे पहले से इतने सारे फूल उगा करते थे, उस जगह पर आज झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आप देखिए, ये पूरा टूट चुका है। इसका जो लकड़ी का उन्होंने काम करवाया था, ये सारा सब कुछ टूट चुका है। दीवारें भी इसकी आधे से ज़्यादा टूट चुकी हैं। नॉर्मली हमारे पहाड़ में जो घर बनते हैं वो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बनते हैं, लेकिन इन्होंने इसको बंगला स्टाइल में बनाया। तो इन्होंने इसमें वुडवर्क ज़्यादा करवाया और इसकी छत भी जो बनाई वो टिन के शेड की इन्होंने बनवाई। और जबकि हमारे यहाँ पत्थर के शेड की छत बनती है, जिसको हम लोग पटाल बोलते हैं। इन्होंने पूरे आंगन में पटाल बिछाए। अब देखिए कैसे आंगन इनका कितना शानदार लगता था। एक टाइम पर ये आंगन, इसमें पूरे पटाल बिछी हुई थी। आज इस पटाल में पूरी घास उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई है। आइए मैं आपको बंगला थोड़ा अंदर से भी दिखा दूँ। एक विंडो खुली हुई है, यहाँ पे टूटी हुई है, तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाना पॉसिबल होगा। देखिए कैसे ये पूरा इसका फर्श टूट चुका है, इसकी दीवारें टूटने वाली हो रही हैं, बहुत ही बुरा हाल। और अंदर अगर इसके आप जाएंगे, इतने सारे चमगादड़ हैं कि इंसान यहाँ जाने से भी डरता है, अंदर इस बंगले के अंदर जाने के से डरता है। तो इस बंगले के लिए मेरे पास दो लाइनें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। मेरी चादर थी फटी वो भी भला क्या करती, मेरी चादर थी फटी वो भी भला क्या करती, वो बिखरती गई जितना समेटा मैंने। देखिए इसका बरामदा देखिए, इतना खूबसूरत ये बरामदा था, पूरा वुडवर्क था, उन्होंने इसमें शीशे लगवाए थे, सारी सुविधाओं से युक्त ये बंगला। एक बार इसमें नौकर चाकर हुआ करते थे। इस बरामदे में जब दादी आती थी, तो लखनऊ से जब दादी आती थी, इस बरामदे में हम लोग खेला करते थे। वो बहुत सारी चीज़ लेके आती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको देती थी। हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पर, और यहाँ पर खेलने में बहुत मज़ा आता था। वो हमको दादाजी की बंदूक और तलवार सब दिखाती थी, और हम इस बंगले के अंदर खूब दौड़े हैं, खूब खेले हुए हैं। लेकिन आज अकेले इस बंगले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये कब से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े आम के पेड़ हुआ करते थे, फूल लगे हुए रहते थे, और यहाँ पे तुलसा जी का मंदिर हुआ करता था। सब कुछ इतना अच्छा था कि यहाँ पे आने का हमेशा मन करता था। गांव में जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे, सब यहीं पे होते थे। एक बार गांव में हरिश्चंद्र नाटक हुआ था, तो सारी तालीम यहीं पे हुआ करती थी उसकी। गांव में जब होली होती थी, सारे लोग यहाँ पे इसी आंगन में इकट्ठा होते थे और यहीं से मंदिर के लिए जाते थे। और जितने भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, सब यहीं पे होते थे। हम लोग भी यहाँ पर स्पाइस खेलने के लिए आते थे। पलायन की मार झेल रहा है ये बंगला। आज यहाँ जंगली जानवरों का डेरा है। यहाँ पे जंगली जानवर नॉर्मली, यहाँ पे कभी किसी को बाघ दिख जाता है तो कभी किसी को जंगली सुअर दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हैं। इजिली यहाँ पे उनके छिपने के लिए पूरी जगह बनी हुई है, पूरी जगह यहाँ पे बनी हुई है। और सारी यहाँ पे आने के लिए रास्ता भी नहीं था, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने रास्ता बनाया यहाँ आने के लिए। पलायन की मार झेल रहा ये बंगला। एक टाइम पे रौनक हुआ करता था, और इस बंगले को देख के आज बहुत दुख होता है। और इसके लिए मैं सिर्फ आपसे दो ही लाइन कहना चाहूंगी इनके घर वालों के लिए, कि गुलशन किए हुए हैं तेरी यादों के चराग, गुलशन किए हुए हैं तेरी यादों के चराग, आज तेरे बगैर तबीयत उदास है, आज तेरे बगैर तबीयत उदास है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।